और चीन की भारत के खिलाफ उकसावे वाली कार्रवाई, अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन ने फिर की हिमाकत। अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नामों की नई सूची जारी की। अरुणाचल प्रदेश पर चीन का नया प्रोपेगेंडा। विस्तारवादी एजेंडा रखने वाले चीन ने एक बार फिर हिमाकत की है। ड्रैगन ने एक बार फिर भारत को उकसाने वाली हरकत करते हुए अरुणाचल प्रदेश पर नया प्रोपेगेंडा किया है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नामों की नई सूची जारी की। इन 11 स्थानों में 2 भूमि क्षेत्र, 2 रिहायशी इलाके, 5 पर्वतीय चोटियां और 2 नदियों के नाम शामिल हैं। बीजिंग ने चीन, तिब्बत और पिनियन भाषा में नामों की तीसरी लिस्ट जारी की। भारत पहले अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों के नाम बदलने की चीनी कदम को खारिज कर चुका है। भारत का तो कहना है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। कुछ जगहों के नाम बदलने वाले प्रोपेगेंडा से कभी तथ्य बदल नहीं सकता। चीन ने 2017 में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा के दौरान अरुणाचल के कुछ जगहों के बदले नामों की पहली बार लिस्ट जारी की थी। डोकलाम और गलवान में भारत से मुंह की खाने के बाद चीन का नया प्रोपेगेंडा हताशा से ज्यादा कुछ नहीं है। एक तथ्य यह भी है कि जब चीन ने अरुणाचल पर नामों की सूची जारी की, उसके बाद डोकलाम और गलवान जैसे बड़े मामले सामने आए हैं।